Everything is ready. That much is sure. Thank you, sir. कम्युनिकेशन के लोग आप लोग बैठे हुए, कम्युनिकेशन कोई नया चीज नहीं है, ये सदियों पुराना से गांव के लोग, पहाड़ के जंगल के लोग भी अपना कम्युनिकेशन करते थे। आप गांव में पहले कम्युनिकेशन क्या था, आज भी है, एक वो मफर बोलते हैं क्या, उसको चौकीदार बोलते हैं, वो बुलाते जाएगा, उसका टोन ट्यून को सब लोग समझते हैं, तो उसका टोन वो खाली हल्ला करते जाएगा तो वो लोग सब लोग समझ जाएंगे कि कोई मीटिंग होने वाला है और पर्टिकुलर प्लेस में लोग आ जाते हैं। एक दूसरा कम्युनिकेशन भी एक है आपका, एक नगाड़ा बजा दो तो भी लोग चले आते हैं, चर्च का घंटी बजा दो ये भी एक कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन से बहुत सारे स्टाइल के है आजकल मॉडर्न युग में, कम्युनिकेशन का जो भाषा परिभाषा इसका डेफिनेशन बहुत सारे चेंज हो गया है। मॉडर्न कम्युनिकेशन में आजकल बहुत सारे चीज आ गया है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना, उसको आपका कंपनी का फेवर में कैसे लाना है या उसके लिए प्रेरित कर काम करवाना, ये सब आपका प्रोफेशन है, उसमें काम करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुना के कम्युनिकेशन कितना पावरफुल होता है उसके बारे में मेरा व्याख्यान में समाप्त कर दो। उसको बोल आप मिला है और आप कोशिश कीजिए आगे भी ऐसा करते रहिए। प्राइज मिलने से एक चीज ऐसा होता है कि थोड़ा काम करने के लिए ऊर्जा मिलता है, एक थोड़ा एक्साइटमेंट होता है आपका, एक आपको एक फीलिंग होता है कि चलो मेरा काम का कोई रिकॉग्नाइज किया, कोई समाज में उसका कोई पहचान हुआ, इसके कारण प्राइज मिलते रहना चाहिए और उसके कारण एनकरेजमेंट होता है काम करने में। आप इसके दिशा में ये निश्चित आपका यह संस्था कामयाब हुआ है ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ थोड़े समय में, ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ इसके बारे में, ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। आपने पुनः एक बार मेरे को बुला के मंत्री के नाते प्राइज दिलवा के
आप लोग को जैसे जितना सम्मान हो मेरा भी उतने बराबर सम्मान हुआ, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको धन्यवाद देना